तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा पोपट हो गया। हम यहाँ पर एक एडवेंचर कर रहे हैं। तो सुबह से बारिश वारिश हो रही है, बहुत देर बाद मौसम खुला। तो क्या कहते हैं, तो नज़ारे का लुफ्त उठाइए और नमस्ते जी, कैसे हैं आप? सब कुछ बढ़िया। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है कि भाई साहब मैं जा रहा हूँ अपनी नानी के घर। बात यह है कि भाई साहब मेरे को थोड़ी सी कलाकारी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कलाकारी करनी पड़ेगी। तो भाई साहब गाने बजाओ। सियासत लिखाई, आजादी कमाई, कर्मों के सागर पे आलम अलग, खरबों के नोटों तो फिर खतर, अब दिखता वो शेख लिखता वो लेख, हूँ मैं परवाज़ काफी खुली आवाज़ और जर्द मेरे दर्द मर्द को भी होते अश्क। हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अल्मोड़ा। यहाँ पे दो दिन से बारिश हो रही है, तो अभी मौसम ऐसा है की आदत है साथ वाले। तो सुबह से बारिश हो रही है, बहुत देर बाद मौसम खुला। इन्होंने मेरे को बोला हाँ भाई चलो कसारी चल रहे। तो भाई मेरे में एनर्जी आ गई, मुंह भी नहीं धोया, सुबह नहाया था मैं, घूमने के नाम से भाई साहब बिल्कुल एनर्जी आ गई। तो यहाँ पे आने से पहले मेरी कजन सिस्टर ने मेरे को बोल दिया था कि जैकेट वैकेट रख ले। मैंने बोला अरे जाओ यार, जैकेट वैकेट पहननी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे क्या करने आए हैं बताओ? हम यहाँ पर एक एडवेंचर कर रहे हैं, चिकन बना रहे हैं, चूल्हा बन रहा है, देसी मुर्गा। तुम्हारी जो नानी का घर है उससे हम थोड़ी दूर आए थे, 12-13 किलोमीटर कोसी नदी के किनारे। कोई वेजिटेरियन है तो थोड़ा आगे पीछे कर लेना वीडियो। यहाँ पे मेरे कजन भैया है, कजन का जिसकी शादी होनी है वो भी, वो मेरे पापा, यहाँ पे हम सब आए। यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हुई ना भाई साहब, मौसम हो गया ठंडा, और थोड़ी जैकेट वैकेट सब निकल गई। भाई रख के लेके आना, तो नज़ारे का लुफ्त उठाइए। और तो दुनिया में तो दो टाइप के लोग, एक होते हैं हैशटैग माउंटेन और कॉलिंग में, एक होते हैं हैशटैग बीचेस फॉलोई। अपन है हैशटैग माउंटेन और कॉलिंग वाले, और कमेंट करके बताना आपको माउंटेन ज़्यादा पसंद है या बीचेस। और आप लोगों की गलती है, अगर किसी को हिंदी कॉपीराइट फ्री म्यूजिक पता हो तो कमेंट करके बता दिया करना, या फिर लिंक पेस्ट कर दिया करना। मैंने नोटिस करा कि मैंने अपनी वीडियो में टाइम लैप्स लेना बहुत बंद कर दिया था। तो कार्यक्रम कहाँ तक पहुँचा? कार्यक्रम हमारा चिकन अब ऑलमोस्ट डन। फिर भी कितना टाइम? ओनली 20 मिनट। नदी के किनारे हमारा चिकन, नदी के किनारे हमारा चिकन बन रहा है। पार्टी ऑन। मैं बढ़ता रहूं यूं ही। हमारे एडवेंचर में एक चीज और जुड़ गई, वो क्या है भैया बताएंगे? पार्टी के साथ साथ हम फिशिंग भी कर रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ की पहाड़ की फेमस मछली है महासेर। और एक जिंदगी की मौज तो हम ही ले रहे हैं। और एक और मछली है यहाँ पर जो सांप के जैसी, उसको हम बोलते हैं गैंड। तो ये मेरा दूसरा कैमरा है, कैनन 200D विद 50mm लेंस, जो कि यहाँ के नज़ारों की अच्छी अच्छी फोटो देगा। मेरे को फोटो का देखने इंस्टाग्राम पे मैं रील फोटो सब बनाऊंगा, तो देख लेना, बाकी मजा आ जाएगा फोटो वोटो देख के। परिंदे छिपते तो दिल में उम्मीद है, नसीबों में डूबे जो सपनों को सींचे, खुशी को तू यूं ना बोझा। हाँ सो हम एक अच्छाई का काम भी कर रहे हैं। मैंने नए दोस्त बनाए, दो दो भाई खा लो। जो मेरा पैर, सॉरी सॉरी। तो एक अच्छा काम भी कर रहे हैं हम, और फिर दूसरी तरफ तो इस नज़ारे को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, और हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन। तो हमारी नेक्स्ट लोकेशन होगी कोई वाटरफॉल है। कौन सा वाटरफॉल है वो? नाम नहीं पता, वाटर आ रहे यार, चलो ठीक है। पहलू मैं तेरी तू मेरी, कह दूं रह लूं फिर चले बहलूं जस। इसको क्या कहते हैं? हिशालू, हिशालू पहाड़ी फल। आप दिखा लो, मोटा मोटा रेस्टोरेंट है। अरे हाँ यार सही है, और खा लो। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा पोपट हो गया, मेरे को लगा भाई बहुत ऊंचे पहाड़ से कहीं झरना ऐसे बह रहा होगा, पर झरने के नाम पे ही है। ये था झरना, पहलू सुहाना कजरा समाना, आंखों की गहराई में शन, गरीब खोई सोच में, नसीबों से मिले हम, अमीरी मेरी सारी तेरी हंसी में। मेरे को ना उन लोगों से बहुत नफरत है, जैसे कोई ट्रैवल पहाड़ों में उनको उल्टी आ रही हो। अगर मेरी बीवी को ऐसे उल्टी आना, मैं तो डिवोर्स दे दूँ उसे।